अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के जितनी शुगर ली है, 1.5 कप ही के जितना हमें चाहिए होगा ड्राई मिल्क पाउडर, 1 कप के जितना घी हमें चाहिए होगा, और यहाँ पे मैंने 3/4 टीस्पून के जितना ग्रीन कार्डमम का फाइन पाउडर ले लिया है। फुल क्रीम मिल्क हमें चाहिए होगा 600 ml के जितना, और कैरेट्स हमें चाहिए होंगी 2 kg के जितनी। मैंने कैरेट्स को अच्छे से वॉश करते हुए ड्राई करके इनको ग्रेट कर लिया है, तो ये हमें चाहिए होंगी 2 kg के जितनी। और इसके अलावा हलवे में डालने के लिए और हलवे को गार्निश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए होंगे, जिनमें मैं कैशियोज़, पिस्ताशियोज़ और ऑलमंड्स ले रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए होंगे। गाजर के हलवे को कुक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं 600 ml के जितना दूध जो है फुल क्रीम ये डाल दूंगी और दूध को बॉईल होने दूंगी। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो गया है, तो अभी इसमें कैरेट्स ऐड कर देते हैं। तो आहिस्ता से इसमें हम कैरेट्स ऐड कर देंगे और कैरेट्स को अच्छे से दूध में कुक कर लेंगे। तो तमाम कैरेट्स को मैंने डाल दिया दूध में और अभी हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। कैरेट्स को बिल्कुल इसको गला लेंगे हम दूध में और फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और टाइम टू टाइम आप इसको हिलाते रहिएगा ताकि जो है ये दूध बिल्कुल नीचे पेंदे के साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैं गाजरों को दूध के खुश्क होने तक और गाजरों के गल जाने तक इनको कुक कर लूँगी। तो चलिए इनको कुक कर लेते हैं यहाँ तक कि दूध भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो हमारी कैरेट्स हैं ये भी बिल्कुल कुक हो जाएं फुली। तो इसको कर लेते हैं कुक अच्छे से। तो कैरेट्स को मैंने दूध के साथ कुक होने के लिए छोड़ दिए। तो उसी के साथ हम ये जो मिल्क पाउडर है ये प्रिपेयर करके रख लेते हैं हलवे के लिए। तो ये जो मिल्क पाउडर है मैं ये डाल दूंगी बाउल में, और इसमें जो मैंने आपको 1 कप के जितना घी बताया था उसमें से मैंने ये 1.5 टेबल स्पून के जितना घी ले लिया है, ये इसमें ऐड कर दूंगी इसको मेल्ट करके, और इसको मैं मिक्स करना स्टार्ट करते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा ही, और साथ ही इसमें थोड़ा कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, ये भी 2 टेबल स्पून के जितना मैंने ले लिया है, और ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। एकदम ऐड मत कीजिएगा बिल्कुल, इसको हम ब्रेड क्रम्स की तरह का मिक्सचर बना लेंगे और फिर हम इसको हलवे में ऐड करेंगे। तो ये आप केयरफुली इसको बना के रख लीजिए जब तक के जो गाजरें हैं वो गल जाएं दूध में अच्छी तरह से। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, ज़रूरत पड़ने पे आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर मैं इस आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि ये किस तरह का फाइनली लगना चाहिए मिक्स होने के बाद। तो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर लेते हैं, अगेन इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी सी गुठलियाँ इसकी बननी चाहिए, बहुत बड़े लम्प्स नहीं बनने चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा, अगर आपके पास पानी या ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा बहुत आप मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मिक्स करते जाते हैं। तो इसको पाउडर मिल्क को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मेल्टेड घी और कोल्ड वाटर के साथ। तो ये इस तरह की इसकी लुक है। इस तरह से हमें छोटे छोटे गुठलियों की शक्ल में इसको ले आना है। तो ये हम ऐड करेंगे हलवे में। अगर आपके पास मावा या खोया हो तो वो आप ऐड कर लीजिए, अगर वो नहीं तो फिर आप इस तरह से मिल्क पाउडर को ऐड कर लीजिए। तो इसको साइड पे रख देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं गाजरों को कि ये गल गई हैं कि नहीं। तो गाजर को दूध के साथ कुक होते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और आप ये देख लीजिए कि दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल दूध जो है इस वक्त खुश्क हो चुका है। तो और कैरेट्स भी बिल्कुल अच्छे से
गल गई हैं, बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं, बिल्कुल ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुकी हैं। तो अभी इस पॉइंट पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं इसमें शुगर। जब गाजर अच्छी तरह गल जाए तभी आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, तो इसमें शुगर ऐड कर देते हैं इस वक्त। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। जो ही हम इसमें शुगर डालेंगे तो ये अगेन इसमें शुगर जो है मेल्ट होके अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो इसको फिर हम हाई हीट पे कुक करेंगे। अभी तक जो गाजरों को मैंने कुक किया है मीडियम हीट पे कुक किया है, और शुगर डालने के बाद इसका बहुत ब्राइट सा कलर डिवेलप होना शुरू हो जाएगा। तो शुगर तमाम डाल देते हैं इसमें। ये देखिए जो ही मैंने इसमें शुगर ऐड किया तो इसका पानी जो है शुगर ने रिलीज़ कर दिया है। तो अभी इसको बिल्कुल हाई हीट पे मैं इसको कुक कर लूँगी, तो मैं हीट जो है बिल्कुल हाई कर देती हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जो ही इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें घी ऐड करूँगी, और इसी पॉइंट पे मैं इसमें ग्रीन जो कार्डमम पाउडर है वो ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए इसको पानी खुश्क होने तक अच्छे से कुक कर लेते हैं गाजरों को। तो शुगर डालने के बाद जो पानी रिलीज़ हुआ था वो ऑलमोस्ट अभी ड्राई होने को है, तो इस पॉइंट पे इसमें घी ऐड कर देते हैं। तो ये जो 1 कप के जितना घी है इसमें से मैं तकरीबन 3/4 कप के जितना घी इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से भून लेते हैं गाजरों को। जितना ज़्यादा हम इनको भूनेंगे हलवे में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो बहुत अच्छे से आप इसकी भुनाई कर लीजिए। चलिए मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे जो शुगर डालने के बाद जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और इसको मैंने थोड़ा भून भी लिया है जो मैंने इसमें घी ऐड किया था। तो अभी जो बाकी का घी है वो इसमें ऐड कर देते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसी पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। तो जितना भी जो हमने सेव किया था घी वो इस पॉइंट पे हम सारा इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो कुछ ऐड कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। जितना आप हलवे को अच्छे से भूनेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, जितना भी पानी है हलवे में वो तमाम ड्राई हो जाना चाहिए। तो भून लेते हैं इसको अच्छे से। तो हलवा बहुत अच्छे से भून रहे हैं, बिल्कुल इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा, और काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। तो अभी इस पॉइंट पे जो मिल्क पाउडर हमने प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए ये इसमें ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए, और इस मिल्क पाउडर के साथ भी थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। हलवा तभी मज़ेदार और टेस्टी बनेगा जब इसमें बिल्कुल भी पानी हम नहीं रहने देंगे, बिल्कुल इसको भून भून के हम इसका जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लेंगे, और बिल्कुल जो है इसका ऑयल वो इसमें से दिखने लगे तो ही हलवा जो है वो टेस्टी बनेगा। तो थोड़ा और ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
जो बड़ी गुठलियाँ हैं थोड़ी उनको आप तोड़ लीजिए। चलिए मज़ीद इसको और थोड़ा सा भून लेते हैं। हलवा ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे, इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। शुगर और घी डालने के बाद इसको जितना ज़्यादा आप भूनेंगे उतना ही ज़्यादा हलवा टेस्टी बनेगा और हलवे में एक अच्छी सी शाइन आएगी। तो बिल्कुल आपको पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल इसका पानी ड्राई है और अभी अगर थोड़ी देर में इसको रहने दूंगी तो इसका जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा किनारों से। तो इट मींस कि ये बिल्कुल रेडी है, हलवा ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं हलवे को। तो ये देखिए बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से हलवा भुन चुका है और ऑयल भी इसका रिलीज़ हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप हलवे को इस तरह थोड़ा सा पीछे करके रखेंगे और एक आध मिनट वेट करेंगे तो बिल्कुल इसका जो ऑयल है वो निकल के आ जाएगा। तो देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए ये देख लीजिए आप, मैंने जो ही इसको पीछे किया है तो ये इसका ऑयल रिलीज़ हो गया। इट मींस के बिल्कुल हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी है, इसमें किसी किस्म का पानी मौजूद नहीं है। और इस तरह से जो हलवा हम तैयार करते हैं जिसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता तो उसको हम काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये हलवा ये देखिए किस तरह से इसका जो ऑयल है ये बिल्कुल रिलीज़ हो गया। तो अभी इसको अगेन मिक्स कर लेते हैं और इस हलवे को आप 15 से 20 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये फ्रीज़ भी हो जाता है। तो चलिए ये देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। तो अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं और गार्निश कर लेते हैं। गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है यहाँ पे और इसे मैंने ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर जो प्रिपेयर किया था उसके साथ मैंने गार्निश भी कर दिया है। तो ज़रूर आप इस तरह से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।